शेर का रिश्तेदार मोर्दके महल में कार्य करता था और उसकी देखभाल भी करता था। राजा क्षयर्ष के सलाहकार हामान ने एक बड़े इनाम को प्राप्त किया। वो बहुत घमंडी था। मोर्दके के सिवा हर कोई उसके आगे सिर झुकाते थे। हामान अपमानित हुआ। उसने मोर्दके और सभी यहूदियों को मारने की प्रतिज्ञा की। हामान ने क्षयर्ष को बताया कि यहूदी खतरनाक थे और उन्हें मारना चाहिए। क्षयर्ष सहमत हो गया और उन्हें मारने की एक योजना बनाई। मोर्दके डर गया था और रानी एस्तेर को ये संदेश भेजा। राजा के मन को बदल, मोर्दके ने कहा, अगर मैं उसके निमंत्रण के बिना जाऊं तो वो मुझे भी मार देगा। एस्तेर ने जवाब दिया, शायद तो इसी पल के लिए रानी बनाई गई थी, मोर्दके ने कहा। एस्तेर साहस के साथ ये प्रयास करने के लिए सहमत हुई। वो सिंहासन के कमरे में गई। राजा क्षयर्ष उसकी सुंदरता से चकित हुआ और उसे अंदर निमंत्रण दिया। क्या हम हामान के साथ रात का खाना खा सकते हैं? उसने पूछा। हामान उसके पिछले आंगन में एक बड़े खंभे का निर्माण कर रहा था। उसने इस पर मोर्दके को मारने की योजना बनाई थी। तब राजा का निमंत्रण आया, इसलिए हामान रात के खाने के लिए महल में गया। एक मनुष्य मुझे और मेरे लोगों यहूदियों को मारना चाहता है, एस्तेर ने राजा क्षयर्ष को बताया। कौन ऐसी बात करेगा? उसने पूछा। दुष्ट हामान, एस्तेर रोई। हामान, सिपाहियों उसे मार दो। इस तरह हामान उसी खंभे पर टांग दिया गया जो उसने मोर्दके के लिए निर्माण किया था। एस्तेर के कारण यहूदी बचाए गए थे। उन्होंने एक बड़ा त्योहार मनाया जिसका वो आज तक भी जश्न मनाते हैं।